नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आने वाली है, तो आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरी ओर से शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं इस वर्ष शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक भूल कर भी कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। मैं आज इन सभी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ, तो आप लोग अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और समापन 12 अक्टूबर विजयादशमी के दिन होगा। इस बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। भक्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के नाम का व्रत रखते हैं। ज्योतिषियों की माने तो शारदीय नवरात्रि में कुछ गलतियों से सावधान रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में अगर माँ दुर्गा की उपासना करनी है तो घर की अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी चाहिए और घर के मंदिर को साफ कर लेनी चाहिए। घर में किसी तरह की गंदगी नहीं रहने दें। शारदीय नवरात्रि से पहले घर से अनुपयोगी चीजें जैसे खराब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हटा दें। इन सब से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा घर के मंदिर में माँ दुर्गा का छोटा चित्र या तस्वीर रखें, जिसका आकार आपके अंगूठे जितना हो। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने वाले लोग तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखें, बल्कि 9 दिनों तक सात्विक भोजन ही खाएं। माँ दुर्गा के पूजन से पहले हमेशा स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें और स्वच्छ वस्त्र का धारण करें। इसके अलावा माँ दुर्गा को अपवित्र भोग अर्पित ना करें, बल्कि स्वच्छता से बना भोग ही माँ दुर्गा को चढ़ाएं। अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं तो पूरे 9 दिन अखंड ज्योति जलाएं और वो भूज ना पाए, इसका ध्यान रखें। अगर 9 दिन से पहले दिया भूज जाता है तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे इन 9 दिनों में अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आता है तो उसे खाली हाथ लौटने नहीं देना चाहिए और इस बीच किसी से भी कटु वचन नहीं बोलनी चाहिए और हमेशा खुश मिजाज रहना चाहिए। किसी की शिकायत यानी कि चुगली नहीं करनी चाहिए और बहुत ही सात्विक तरीके से माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। बहुत ही सच्चे मन से माँ की आराधना करनी चाहिए। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होकर आपकी सभी बाधाओं को दूर करेंगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द पूरी करेंगी। इसलिए आप लोग इन सभी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए माता रानी की उपासना करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। मिलती हूँ अगले कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।